आई ए एस ट्वेंटी थ्री बोरिंग आसान स्टैंडर्ड है लेकिन इस स्टैंडर्ड का भी जो लिंक है वो मल्टीपल स्टैंडर्ड के साथ डेवलप होता है कोशिश कीजिएगा इसको भी लिंक करके चलिएगा नॉर्मली अब इसका जो लिंक डेवलप हो सकता है वो हो सकता है आई ए एस सिक्सटीन के साथ और आता ही इसके साथ है मेनली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ दूसरा अभी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ के आए हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ भी ये अच्छा खासा लिंक्ड होता है और तीसरा इंडिविजुअली इसमें से तेईस में से, से आठ नंबर तक का वो सवाल पूछ सकता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ग्रांटेड एडजस्टमेंट जो आप लोगों को शायद अभी समझ ना आए या इन अगर एक बार एडजस्टमेंट आप लोगों से पूछ ले फिर आपको समझ आएगी कि एक बंदे ने कहा था कि एग्जाम फोकस ना भी हो सेशन, सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है आई ए एस ट्वेंटी थ्री और आई ए एस ट्वेंटी की कंबाइंड एडजस्टमेंट ये एडजस्टमेंट आपको पेपर में शायद ना मिले लेकिन ये एडजस्टमेंट मेरी ख्वाहिश आई क्या पूछे और उसको पूछनी भी चाहिए और ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं ये एडजस्टमेंट होती है प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो यही एडजस्टमेंट है अरे बहुत ज्यादा होती है एडजस्टमेंट मींस, आपने लोन लिया हुआ है बाहर से अभी हम एक चीज पढ़ के आए हैं गवर्नमेंट ग्रांट मैं साथ रिलेट करके शुरू करता हूँ आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आपने गवर्नमेंट से ग्रांट के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट ने ग्रांट आपको दे दी है उस, उस लोन की रीपेमेंट के लिए ये इतना मजे का सवाल और इतनी मजे की एडजस्टमेंट बनती है यू हैव नो आईडिया आपको आपके क्वेश्चन बैंक में आपको आपके पास पेपर्स में शायद इस तरह के एडजस्टमेंट वगैरह मिली या ना मिली हो बट बोरिंग कॉस्ट के साथ ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये बड़ी अच्छी बनती है और ये बनती बननी भी चाहिए बिकॉज जब आप लोन वगैरह लेते हैं तो उस लोन की रिपेमेंट के लिए आप क्या कर रहे होते हैं आप ग्रांट्स ले रहे होते हैं तो इसका ताल्लुक मेरे ख्याल से जो मोस्ट है, है।, है वो भी इसके साथ साथ चलते हैं बोरिंग है। तो बोरिंग कर रहे हैं लेकिन ये परस्पेक्टिव में आपको इसके साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा एंड उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम फोकस्ड होगा अब। बोरिंग कॉस्ट बोरिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मतलब बोरिंग्स वगैरह होती क्या है इसको और भी दे दू मैं आप लोगों को कि आपके पास दो तरह के फाइनेंसिंग के तरीके होते हैं या तो आप इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकते हैं या तो आप डेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है कि आप कैपिटल रेज करते हैं और कैपिटल के ऊपर आप प्रॉफिट वगैरह पे कर सकते हैं मतलब आपने कैपिटल इंक्रीज किया

और उस लोन से हमने क्या करने हैं एसेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने हैं हमने एसेट्स वगैरह बना रहे होते हैं लोन जो है दो तरह के होते हैं या तो हम स्पेसिफिकली लोन लेते हैं या हमने ऑलरेडी लोन लिए होते हैं उसमें से हम चीजें उठा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लोन आप बैंक से ले सकते हैं आप क्रेडिटर से ले सकते हैं आप पार्टनर से तो लोन ले सकते हैं और जो लोन uh, Ryu, होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लोन भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन नोट भी ले सकते हैं फॉर्म ऑफ डेट वगैरह आप उसको लेके चल सकते हैं और इक्विटी फाइनेंसिंग का उसमें से जो हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह इनको हो रही होती है वो हमने ट्रीट कर रही होना है तो मेनली हम यहाँ पे जो चीज ट्रीट कर रहे हैं वो हम डेट के बारे में बात कर रहे हैं हम अपने इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे अब इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे इनकर होती है या इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर क्या होती है उसको जरा आपने देखना है देखें आप बोरो करते हैं आपने लोन लिया अब इस लोन के ऊपर कॉस्ट क्या होगी उसको हम समझने की जरूरत होती है आपने हजार रुपया किसी से उधार लिया आपने हजार रुपया किसी से उधार लिया आप उसको वापस हजार रुपया कर दो इसका मतलब आपने लोन लिया लोन भी पे किया नो एक्स्ट्रा कॉस्ट कोई किसी किस्म का कुछ भी इनकर नहीं हुआ लेकिन आप हजार रुपया लेते हो आप वापस करते हो आपने आपका हो रहा है इसको हमने ट्रीट करना सीखना है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है और क्या इसका ट्रीटमेंट नहीं है अगर मैं चैप्टर कॉन्टेंट्स की बात करूं इसमें क्या कुछ आएगा तो मेनली इसमें हम देखते हैं कि डेफिनेशन दिखेंगे बोरिंग कॉस्ट की

जब आप क्यूएम पढ़ते थे आप फाइनेंसिंग पढ़ के आए थे आप इंटरेस्ट के बारे में पढ़ के आए हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट होता है एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जब आप लोन लेते हैं तो लोन में सिंपल आप पढ़ के आ चुके होते हैं कि लोन हमारा खर्चा होता है तो जो उस पर सूद पे कर रहे होते हैं वो हमारा खर्चा होता है एक बिजनेस ने हजार रुपये का लोन लिया तो उसने दस परसेंट ऊपर सूद पे करना है तो सौ रुपया क्या होगा उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी

बॉर्न कर रहे हैं इसको हमने एक्सपेंस आउट नहीं करना हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनाना बल्कि हमने क्या करना है बल्कि हमने इसको कैपिटलाइज करना है कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा मतलब हमने इसको एसेड की कॉस्ट का पार्ट बनाना है द मेन थिंग इज दैट कि हमने इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है और ये पूरा स्टैंडर्ड जो है वो कैपिटलाइजेशन से मुतालिक है कि कौन सी कॉस्ट होंगी जो कैपिटलाइज होगी और कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कैपिटलाइज नहीं होगी तो कैपिटलाइजेशन इज द मेन थिंग जो हमने इस स्टैंडर्ड में सीखनी है बोरिंग कॉस्ट होती क्या है अगर इसकी बात करें कहता है जी बोरिंग कॉस्ट है इंटरेस्ट है सूद या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एंटिटी इनकर करती है जो उसने फंड्स वगैरह लिए होते हैं उसके साथ साथ वो उसकी बोरिंग कॉस्ट के ला रही होती है मतलब इसमें इंटरेस्ट पे करना लोन प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने कमीशन वगैरह कमिटमेंट फी डॉक्यूमेंट चार्जेस लीगल चार्जेस वगैरह ये सारे क्या होते हैं आपकी बोरिंग कॉस्ट वगैरह होती है आप लोन ले रहे हैं आपके रिफंडेबल प्रेफरेंस दे हैं डिबेंचर्स हैं आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं आपने टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स पीटीसी वगैरह इशू किए हुए हैं आप बैंक ओवर ड्राफ्ट लेते हैं आप रनिंग फाइनेंस लेते हैं ये सारे आपके लोन के सोर्सेज हैं जिनमें से आप लोन वगैरह ले रहे होते हैं आप इस लोन पे अगर ये कॉस्ट वगैरह इनकर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी बोरिंग कॉस्ट कहलाती है तो इस बोरिंग कॉस्ट को जो हम ये इनकर कर रहे हैं हमने उसकी ये एंट्री पास करना सीखनी है कि उसको हमने कैपिटलाइज करना है हमने उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना सीखना है कि वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट कैसे बनेगी और कैसे नहीं बनेगी इसके बारे में हमने सारी की सारी अब कैलकुलेशन सीखनी है बोरिंग कॉस्ट के सारे के सारे कैपिटलाइज होगी या हर एक एसेट के ऊपर कैपिटलाइज होगी द आंसर इज नो बोरिंग सारी की सारी कैपिटलाइज नहीं होगी बोरिंग सारी के ऊपर सारी नहीं होगी. सिर्फ उन एसेट्स के ऊपर होगी होगी उनके लिए हो जो qualifying assets होते हैं और क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें बताया हुआ है के ऊपर वो एक से दो नंबर का थ्रेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं वो तमाम एसेट्स जिनको कंप्लीट करने में सबस्टांशियल अमाउंट ऑफ टाइम लगे कंप्लीट करने में उनको इस्तेमाल करने में या उनको यूज uh, करने में या सेल करने में वो हमारे क्या होते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं मतलब आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई चीज बना रहे हैं उसको कंप्लीट करने में आपका टाइम लगेगा अगर उसको कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है और काफी सारा टाइम लग रहा है तो वो आपका क्वालिफाइंग एसेट कहला रहा होगा अगर कोई आप बना बना एसेट परचेस करते हैं

और से दस साल बीस साल लगते हैं 7 -8 साल लगेंगे, तो उसको एक, एक लंबा लगेगा करने में। तो उसके ऊपर अगर लोन लिया डैम के लिए और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो क्वालिफाइंग एसेट है इसके अलावा कोई इंटेंजिबल्स होते हैं मतलब सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप कर रहे हो या पैटर्ट वगैरह बना रहे हो वो उसमें आते हैं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह भी इसमें आ रही होती है कौन से इसमें नहीं आते वो है कि वो तमाम एसेट्स जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन जाते हैं मतलब दो दिनों में तीन दिनों में एक हफ्ते में अगर एसेट्स एसेट्स बन बन गए एक महीने के अंदर रहे हैं या वो तमाम जो आपने परचेज किए थे वो ऑलरेडी सेल करने की या ऑलरेडी यूज करने की पोजीशन में है थे उन एसेट्स को हम नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स कहते हैं वो हमारे क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं होते और हम उनकी बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर रहे होते तो ये चीज़ जो है वो आपको जहन में रखनी चाहिए कि कौन से एसेट्स होते हैं कौन से एसेट्स नहीं होते और नॉर्मली जो हमारे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स होते हैं जो हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे क्वालिफाइंग एसेट्स खिला रहे होते हैं जितने भी हम एसेट्स खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे उनको कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा और जो उनको कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा तो वो टाइम लगेगा वो क्या होगा उन एसेट्स को हम क्वालिफाइंग एसेट्स कह रहे होते हैं ये सवाल है इसमें से बताए हा कौन कौन सा एसेट्स क्वालिफाइड है कौन कौन सा एसेट्स क्वालिफाइड नहीं है पहला क्वालिफाइंग है कि नहीं है सेकंड

आपका asset हो <coughs> जैसे यहाँ पे हमने बताना है कि क्वालिफाइंग एसे नहीं है एक कंपनी है उसको एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने में छह साल लगेंगे तो भाई क्वालिफाइंग है एक सोफिस्टिकेटेड सर्किट है जो मैन्युफैक्चर बना रहा है और दस हजार से बारह बेच रहा है उसके बाद एक इक्विपमेंट एक्स लिमिटेड ने परचेज की है इक्विपमेंट को हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं नॉन क्वालिफाइंग एसेट है उसके बाद आपने एक ऑर्डर लिया कस्टमर से एक मशीन बनाने का उसको मशीन बनाने में ग्यारह माह लगेंगे तो ये भी हमारा एसेट है उसके बाद एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हो जिसको तो कम्पलीट करने में आपके आठ माह लगेंगे तो ये भी आपका क्या है क्वालिफाइंग एसेट्स है तो ये क्वालिफाइंग एसेट्स और नॉन क्वालिफाइंग तो पहले हमें पता होने चाहिए अगर एक एसेट्स मेरा क्वालिफाइंग एसेट है और उसके ऊपर मैं बोरिंग कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ तो ये मैंने बोरिंग करनी है कैपिटलाइज करनी है अब बोरिंग कॉस्ट जो है वो capitalize करनी तो है लेकिन हमें कैसे करेंगे और उसका क्राइटेरिया क्या होगा उसको जरा हम देखते हैं कि को करने का recognition criteria क्या होगा इसको जरा पढ़ते हैं वो तमाम बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है मतलब डायरेक्टली ट्रेसेबल होती है जिसको हम एसेट्स के एक्विजिशन के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए या प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं वो हमारी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए और ये वो बोरिंग कॉस्ट होती है कि अगर हम ये एसेट्स वगैरह ना बना रहे होते ये कभी भी बोरिंग कॉस्ट वगैरह इनकर नहीं होनी थी तो वो funds, वो तमाम तमाम फंड्स कॉस्ट जो किसी एसेट्स के साथ डायरेक्टली डायरेक्टलीबल है डायरेक्टली रिलेट कर रही है और अगर हम वो एसेट्स के कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू ना करते तो कभी भी हमें वो बोरिंग कॉस्ट वगैरह इनकर नहीं करनी पड़नी थी ऐसी बोरिंग कॉस्ट जो होती है वो हमारी कैपिटलाइज होनी चाहिए जिस तरह एक एक हमारे मुल्क में बाबा रमता आया था उसने डैम बनाया था पैसे लेके गया था और फिर वो अपने बेटे के वली में पे लगा रहा था। अच्छा उसने डैम के लिए लोन लिया या हम डैम लोन लिए लोन बनता अगर डैम ना बनता क्या कभी हम लोन लेते हम अगर डैम ना बनता क्या हम कभी भी लोन लेते नहीं लेते इसका मतलब लोन वॉज टेकन स्पेसिफिकली फॉर डैम और वो डैम हो गया था डैम नहीं रहा था तो वो तमाम कॉस्ट जो ऐसे डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल होती है उसे हम क्या कहते हैं उस कॉस्ट को हमने कैपिटाइज करना होता है और हम कैपिटलाइज कैसे करते हैं उसकी एंट्री हम पास करते हैं कि एसेट हमारा डेबिट होता है उस अमाउंट से और वो जो कॉस्ट होती है वो हमारी क्या हो रही होती है ये ये हमने उस कॉस्ट को इस एसड का पार्ट बनाना है ये चीज हमने यहाँ पे सीखनी है जैसे फॉर एग्जाम्पल निशाद पावर लिमिटेड है इंगेज है प्रोडक्शन ऑफ पावर जनरेशन प्लांट में विच इज टू बी यूज बाई ऑफ दिस प्लांट कंपनी ने वो फंड बोरो किए हैं जो इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए है रही है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछना चाहती है सिंपल बात है उसने इस एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए फंड लिया अगर वो एसेट या कंस्ट्रक्ट ना करता क्या कभी लोन लेता आंसर इज नो एसेट है तो लोन है ऐसा ना होता तो लोन ना होता तो इसलिए जो ये लोन होगा और इसके ऊपर जो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर हो रही होगी वो हमने क्या करनी है कैपिटलाइज करनी है तो ये इसका रिकोगशन क्राइटेरिया है कि वो तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो होंगी वो हमारे क्या होती है कैपिटलाइज हो रही होती हैं तो इसका अगर ट्री देखें मतलब जो ट्री है वो हमें समझाता है कि बोरिंग कॉस्ट कौन से कैपिटलाइज़ होनी है कौन से कैपिटलाइज नहीं होती मतलब वो तमाम कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है उसका इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना लाजमी है कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो अगर हम वगैरह ना बना रहे हो तो हम इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते तो हैं करेंगे? करेंगे, और वो हमारे एसेट की का पार्ट बन जाएगी और अगर वो तमाम कॉस्ट वो तमाम बोरिंग जिसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं थी तो वो हमारे कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती बल्कि हम उनको एक्सपेंस आउट करते हैं हम उनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे होते हैं और एक चीज याद रखना कि जो अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट होती है वो सिर्फ उतनी ही कैपिटलाइज हो सकती है जितनी उसने उस साल इनकर की हो जितनी आप बोरिंग कॉस्ट इनकर करेंगे आप उतनी ही डिस्कस कर सकते उतनी ही कैपिटलाइज कर सकते हैं उससे ज्यादा की आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते <clears throat> अब बोरिंग कॉस्ट अगर देखा जाए जो एलिजिबल है हमारे पास वो कौन कौन सी है इसकी अगर मैं आपको की लिख दूं वो तमाम बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो या वो तमाम बोरिंग्स जो स्पेसिफिकली आपने ली हैं किसी एसेट के लिए या वो तमाम बोरिंग जो उस एसेट की कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन प्रोडक्शन से रिलेट कर रही है अगर जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उस बोरिंग कॉस्ट को हमने क्या करना है उसको हमने कैपिटलाइज करना है उसको हमने, हमने एसेट का पार्ट बनाना है आसान होने जरा आगे मूव करते हैं बोरिंग्स की टाइप दो तरह की बोरिंग्स होती हैं एक होती है स्पेसिफिक बोरिंग एक होती है जनरल बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग क्या होती है और जनरल बोरिंग क्या होती है इनको देखते हैं देखिए जी स्पेसिफिक बोरिंग क्या है कि आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया इस प्रोजेक्ट के लिए आप जाके स्पेसिफिकली सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए जाके आप लोन लेते हैं और उस लोन के ऊपर उस बोरिंग के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे होते हैं तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपकी स्पेसिफिक बोरिंग में आ रहा होता है कि आपने स्पेसिफिकली मखसूस खूसी तौर पर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया अगर आप प्रोजेक्ट शुरू ना करते शायद आप भी, भी लोन ना ले रहे होते तो आपने लोन लिया ही इसी के लिए है तो ऐसी बोरिंग्स जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं स्पेसिफिक बोरिंग्स कहला रही होती हैं जो स्पेसिफिक टू तो डैट प्रोजेक्ट या डैट थिंग हो उसमें आती है अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ है वो उसमें से हम इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है वो लेस कर देते हैं मतलब आपने उस स्पेसिफिक लोन के ऊपर उस स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट इनकर किया क्या उस साल का इंटरेस्ट बनता है वो देते हैं हम उसको तो कैलकुलेट करने का क्या होता है आप लोन की अमाउंट जितना आपने लोन लिया होता है जिस इंटरेस्ट रेट पे लिया होता है वो और कितने महीने का होता है पहले साल है दूसरे साल है या एक साल में कितने महीने इस्तेमाल किया आप उसको टाइम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास इंटरेस्ट आ जाता है फिर आप उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट रेट टाइम फ्रैक्शन जो नेट अमाउंट आती है ये बोरिंग कॉस्ट क्या होती है हमारी कैपिटलाइज होती है मीन इसकी हम एंट्री पास करते हैं एसेट या कैपिटल वर्क इन प्रोसेस जो होता है वो हम करते हैं डेबिट और जो इंटरेस्ट पेएबल होता है या इंटरेस्ट होता है वो हम कर रहे हैं क्रेडिट तो ये एंट्री के लिए इस अमाउंट के लिए हमने ये सारी वर्किंग करनी होती है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने एक दस हजार रुपए का लोन लिया आप लेते हैं लोन दस परसेंट के ऊपर ठीक है अब आपने देखना है कि ये मैंने लोन लिया है मैंने लिया क्या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जी आपने इसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया तो ये कहलाएगी आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग्स कि ये आपकी स्पेसिफिक बोरिंग है इसका अगर हमने निकालना हो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज -like होगा तो हम क्या करेंगे आपने ये अमाउंट पकड़नी है सिंपल सी बात कितना लोन लिया लोन की अमाउंट उस पर इंटरेस्ट रेट लगाओ और देखो कितने पीरियड्स के लिए है अब यहाँ पे तो पूरे साल का बन रहा है तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अः बारह महीने का बना तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया दस हजार का एक हजार इंटरेस्ट आ गया ये है लोन का इंटरेस्ट अब आपने देखा कि दस हजार का मैंने लोन ले लिया इसमें से छह हजार रुपया अभी तक मैंने इस्तेमाल किया रिमेनिंग आपके पास चार हजार रुपया है था आप इस चार हजार को टेम्परेरी तौर पर किसी जगह इन्वेस्ट कर देते हो जहां पे आपको रिटर्न आता रहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हो अब लेट्स सपोज आपने चार हजार इन्वेस्ट किया, और ये आपने किया। पांच परसेंट के ऊपर अब इसमें जो आपको इनकम आएगी वो दो सौ होगी आपका जवाब आएगा आठ सौ ये जो आठ सौ की अमाउंट होगी ये हमारी क्या होती है ये वो अमाउंट है जिसको हमने कैपिटलाइज करना होता है ये अमाउंट हमारी कैपिटलाइज होती है तो स्पेसिफिक बोरिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं कितना इंटरेस्ट इनक्रू in हो रहा है वो उसमें से जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है वो हम लेस कर देते हैं इंटरेस्ट में से इन्वेस्टमेंट इनकम हम जब लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल है तो है। करते है इसकी हैं इसकी ताकि मजीद चीजें जो है वो हमारे पास क्लैरिफाई हो जाए जरा कैलकुलेटर निकाल दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए कैलकुलेशन में <coughs> अच्छा जी सवाल जरा गौर से पढ़िएगा वो क्या कहता है वो कहता है कि हमने बोरिंग कॉस्ट निकालनी है कितनी कैपिटलाइज होगी 31 दिसंबर 2011 के लिए एक अप लिमिटेड है उसने लोन लिया है 10 उसने डाउन बैंक से लोन लिया है 15 परसेंट पर एनएम के ऊपर उसने कहा है कि मैंने पावर जनरेशन फैसिलिटीज के लिए लोन लिए लोन आपको मिला फरवरी यकम को अप लिमिटेड ने तीन मिलियन कॉन्ट्रैक्टर को उसी वक्त पे कर दिया रिमेनिंग जो है था उसने कॉन्ट्रैक्टर uh, को यकम मार्च को पे किया ठीक है जो रिमेनिंग सात मिलियन था उसने टम्प्रेरी तौर पर इन्वेस्ट किया किसी सेविंग अकाउंट पे ऊपर नौ परसेंट के ऊपर अप लिमिटेड का ईयर एंड होता है इकतीस दिसंबर को उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी भी जारी है और लोन उसका अभी भी पेएबल है हमने इसकी बोरिंग कॉस्ट निकालनी है कितनी कैपिटलाइज होती है कितनी कैपिटलाइज नहीं होती इस चीज को जरा हमने देखना है जरा सवाल को जल्दी से रीड करें और बताएं सवाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है जल्दी से शाबाश अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है उसको देखते हैं हम जरा देखिए पहले आपने निकालना है इंटरेस्ट कितना बनता है इस स्पेसिफिक बोरिंग पे तो पहले आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है वो देखते हैं कितना लोन लिया आपने लोन लिया दस मिलियन का कितने इंटरेस्ट के ऊपर पंद्रह परसेंट के ऊपर टाइम पीरियड कब से शुरू होगा जब से लोन लिया ये कम फरवरी से लेके इकतीस दिसंबर तक तो ग्यारह महीने बनते हैं इसको इलेवन बाय ट्वेल्व करें बताएं कितना इंटरेस्ट आएगा वन थ्री सेवन फाइव ट्रिपल जीरो ये आपका इंटरेस्ट बनता है इस लोन के ऊपर फोर ठीक है ये है कॉस्ट ये वो कॉस्ट है जो आप इस लोन के ऊपर पे कर रहे हो मतलब दस मिलियन के लोन के ऊपर ये कॉस्ट बेयर करनी है आपने इसमें से लेस कर दो जो टेम्परेरी तौर पर अमाउंट इन्वेस्ट की है आपने अब देखें आपने लिया लोन दस मिलियन का ठीक है तीन मिलियन आपने फोरी तौर पर पे कर दिए सात मिलियन आपके पास बकाया बचे हैं इनको आपने क्या किया है इनको आपने आगे इन्वेस्ट किया है नौ परसेंट के ऊपर देखना है हमें ये सात मिलियन कितना कमा के देते हैं सेवन इन नाइन परसेंट अब मसला यह है सिर्फ और सिर्फ हमने एक महीने की इन्वेस्टमेंट की है फरवरी से लेके फरवरी एंड तक ये कम, ये कम आज को हमने बाकी अमाउंट भी पे कर दी थी तो एक महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम निकालें कितनी बनेगी बावन पांच सौ अगर वो हम बावन पांच सौ बीच में से लेस करवा दें कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वन थ्री डबल टू फाइव डबल जीरो ये वो अमाउंट है जिसे हमने क्या करना है कैपिटलाइज करना है ये अमाउंट जो है वो जो हमारा एसिड कंस्ट्रक्ट हो रहा है उस एसिड की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी क्लियर है <coughs> इसमें एक चीज आपने जहन में रखनी है अक्सर एग्जामिनर ना वगैरह पूछ लेते हैं अगर आप कोई एसेट बना रहे हैं आपने देखना है क्या वो एसेड कंप्लीट हुआ या वो एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ नॉट कंप्लीटेड या हम देखेंगे वो एसेट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया अगर वो एसेट कंप्लीट हो गया फिर आप जो इसकी एंट्री पास करते हो ना आप वो करते हैं जी डेबिट कर देते हैं एसेट को और क्रेडिट कर देते हैं कि जो आपके एक्सपेंसेस आए होते हैं उनको आप क्रेडिट करते हो और आपकी एंट्री होती है कि हमारा एसेट कंप्लीट हो गया लेकिन आप एक एसेट बना रहे हो और वो अभी तक स्टिल कंस्ट्रक्शन में है साल का एंड हो गया वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ अब जो आपने एंट्री पास करनी है आपने वो एसेट पे नहीं पास करनी आपका वो होगा कैपिटल वर्क इन प्रोसेस कि अभी तक आपका जो काम है वो चल रहा है कंप्लीट नहीं हुआ तो जो अमाउंट होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करनी है और जो एक्सपेंस होगा वो लिखेंगे तो हमेशा गौर कीजिएगा कि वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस है या नहीं जैसे यहाँ पे अगर इसकी एंट्री पास होती तो यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस आना था अक्सर बच्चे देख नहीं पाते वो जब भी एंट्री पास करते हैं वो क्या करते हैं वो ये कर देते हैं कि कैपिटल वर्क इन प्रोसेस की बजाय एसेट को डेबिट कर देते हैं बस ये चीज गौर में रखिएगा कि अगर एसेट कंप्लीट हो गया है देन एसेट डेबिट होगा अदरवाइज कैपिटल वर्क इन प्रोसेस डेबिट करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है तो ये हमारी स्पेसिफिक बोरिंग की बात थी आसान है इसमें कोई ऐसा चीज मुश्किल नहीं होती आगे हमारे पास आती है जनरल बोरिंग जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग में क्या फर्क होता है उसको देखते हैं देखें जी स्पेसिफिक <coughs> बोरिंग क्या होती है हमारे पास कि हमने किसी भी क्वालिफाइंग एस्टेट के लिए स्पेसिफिकली लोन लिया ये हमारी स्पेसिफिक बोरिंग है लेकिन जनरल बोरिंग क्या है? कि हमने ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं ऑलरेडी हमने कर्जा लिया हुआ है हमारे पास लाइक लोन ए हो सकता है हमारे पास कोई लोन बी हो सकता है हमारे पास कोई लोन सी हो सकता है हमने ऑलरेडी लोन लिया हुआ था हमने एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने उस प्रोजेक्ट में इस लोन में से उठा के अमाउंट यहाँ पे लगा दी रिमेंबर ये जो लोन है हमने स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं लिया हमने ये लोन स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं लिया हमने ऑलरेडी लोन लेके अपने पास रखे हुए थे हमने उस लोन में से अगर कोई अमाउंट उठा के अपने प्रोजेक्ट पे लगा दिए तो ये जो हमारा लोन होगा ये हमारी जनरल बोरिंग कहला रही होती है अब इस जनरल में मसला कोई नहीं है हमारा कि हमने लोन लगा दिया अब सवाल है लोन लगा रहे हो ठीक है लेकिन इस लोन के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट होगी उस बोरिंग कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है अब उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे उसके लिए हम देखते हैं एक चीज सबसे पहले हम उसमें निकालते हैं कैपिटलाइजेशन रेट एक रेट रेट निकालेंगे जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन जब हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा तो सेकंड पे हम देखेंगे कि हमने इस जनरल बोरिंग में से कितनी पेमेंट की है तो उस पेमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है इस कैपिटलाइजेशन रेट के साथ तो आपके पास आ जाएगा कितनी बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए अब कैपिटलाइजेशन रेट हम जैसे निकालते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक लोन पड़ा हुआ पांच मिलियन का ये आपके पास लोन ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बनता है लेट सपोज पांच लाख का आप सबसे पहले रेट निकालेंगे कि रेट क्या बनता है तो वो हो जाएगा पांच लाख डिवाइडेड बाय पांच मिलियन आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे आपका जवाब आ जाएगा दस परसेंट इसका बनता है कैपिटलाइजेशन रेट फिर आप देखते हैं कि मैंने इस फंड में से इस जनरल बोरिंग में से आठ लाख रुपए की पेमेंट की है जो मैंने इस प्रोजेक्ट में जाके लगाई है तो इस आठ लाख की पेमेंट को पकड़ लें जो आपने इस फंड में से की है ये इससे रेट मल्टीप्लाई कर लें जो इंटरेस्ट की अमाउंट अब आएगी ये अमाउंट क्या होनी है ये आपकी कैपिटलाइजेशन होनी है तो इस तरह से हम क्या करते हैं इस तरह से हम जनरल बोरिंग को कैपिटलाइज़ कर रहे होते हैं तो जनरल बोरिंग होती क्या है कि जनरल बोरिंग्स क्या है कि वो अमाउंट ऑफ बोरिंग है जिसको हमने स्पेसिफिकली अपन नहीं किया लेकिन हमने अपने फंड में से लगा के उसको कैपिटलाइज़ वगैरह कर दिया है हम क्या करेंगे कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे वेटेड एवरेज की बेसिस के ऊपर और जो रेट आएगा उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस वगैरह मेड किए होंगे हम उसको कैपिटलाइज वगैरह कर रहे होंगे यहाँ पे अक्सर ये वर्ड लिखते हैं वेटेड एवरेज का उसका मतलब होता है अगर आपको याद हो वेटेड मीन का फॉर्मूला डेट वॉज समथिंग लाइक कि वेटेड मीन हम निकालते हैं अब देखिएगा यहाँ पे वेटेड मीन किसे कहते हैं उसको जरा एक मिनट देखिएगा <coughs> अगर हमने जनरल बोरिंग में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है ना तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा कि जनरल बोरिंग में हमेशा आपने पेमेंट्स लेनी है कि आप कितनी पेमेंट्स कर रहे हैं पेमेंट्स मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट और मल्टीप्लाई करेंगे कि किस टाइम पीरियड के लिए है, मतलब कितने अरसे के लिए कैपिटलाइज करनी है जो जवाब आएगा वो आपके अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगी अब कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हैं आपके पास एक लोन है लोन लोन बी है है सी आप इनके देखें कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना बोरिंग कॉस्ट कैपिटाइज हो सकती है आपकी और अगर आपके पास वेरियस लोन है मुख्तलिफ लोन है और वेरियस टाइम पीरियड्स पे लोन लिए गए हैं वेरियस टाइम पीरियड पे मतलब कोई भी है वो फुल ईयर के लिए अवेलेबल नहीं है वेरियस लोन का वेरियस टाइम पीरियड जो है था वो आउटस्टैंडिंग है तो फिर क्या करेंगे आपके पास जितने भी लोन है वो लोन पकड़ लें आप देखिए उनके कितनी आपने बोरो किए अमाउंट वो ले लें आप उनके रेट लिख लें रेट क्या कुछ आते हैं वो ले लें फिर आप देखें कितने मंथ के लिए कौन-कौन सा लोन आउटस्टैंडिंग है मतलब अगर लोन ए पूरे साल के लिए था तो वो हो जाएगा ये 12 बाय 12 एक साल के लिए पूरे का पूरा अगर लोन तो, आप तो, आप 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 तो आपके पास आ जाएगा वेटेड लोन आपने उस लोन को टाइम के साथ प्रोपोर्शनेट कर दिया यहाँ पे लोन की अमाउंट आ गई इस वेटेड लोन को उठा के इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करें आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा ये इंटरेस्ट इसको इस पर डिवाइड करें आपके पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा जब ये रेट आ गया तो इसको जो पेमेंट की है उस पेमेंट से मल्टीप्लाई करिएगा टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास बोरिंग कॉस्ट जितनी होनी है वो सारे का सारा आ जाएगा तो ये वाला टेबल जो है आपने इसको फोकस करना है कैसे है और कैसे नहीं है आप इसको मतलब इसके कॉलम्स वगैरह जो है आप दाएं बाएं कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है मतलब आपको सिंपल देखना है

मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा इस तरह से हम क्या करते हैं कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं एक चीज आपने याद रखनी है इसको कहीं पे नोट डाउन कर लें भूलिएगा ना कि बोरिंग हो और वो जनरल बोरिंग्स में से हो तो जनरल बोरिंग्स में से हम कभी भी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लेते इन्वेस्टमेंट इनकम जब भी हमने पढ़ी है पीछे इन्वेस्टमेंट इनकम हम हमेशा लेते हैं स्पेसिफिक बोरिंग्स में से इन्वेस्टमेंट इनकम हम हमेशा स्पेसिफिक बोरिंग में से ले रहे होते हैं जनरल बोरिंग में से हम कभी भी इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह नहीं लेस करते बिकॉज उसमें होती ही नहीं है तो ये चीज जरा आपने अपने जहन पर रखनी है इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है फिर इसको आगे मूव करते हैं ये टोटल एग्जाम्पल इसको देखें जरा एक मिनट रीड कर ले मैं पानी पी लू जरा

सत्तर हजार की ये लगाई है अस्सी हजार की ये आई है दस हजार की ये लगाई है कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी इकतीस दिसंबर को कम्प्लीट हुई है रिक्वायरमेंट है हमने कैपिटेशन रेट निकालना है और हमने निकालना है बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज हुई है इसको हमने कैलकुलेट करना सीखना है तो पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन रेट उसका सिंपल सा फॉर्मूला है आप देख लें आपके पास लोन कितने हैं लोन वन लोन टू लोन थ्री अब ये लोन ले लें ले। आपके पास अमाउंट कितनी आ रही है आप वो लोन वन पे है हमारे पास तीन लाख लोन टू पे है हमारे पास दो लाख लोन थ्री पे है हमारे पास डेढ़ लाख ये तीन लोन की आप अमाउंट ले लें फिर आप देखें इनके ऊपर आपका रेलिवेंट रेट कितना है तो इसके ऊपर आप ले रहे हैं सिक्स परसेंट के ऊपर इसके ऊपर आप ले रहे हैं एट परसेंट के ऊपर इसके ऊपर आप ले रहे हैं नाइन परसेंट के ऊपर रेलिवेंट रेट आगे अब आप इनका रेलिवेंट इंटरेस्ट बताएं कितना बनता है जरा अमाउंट बताएं कितनी बनती है तीस तीन लाख का छह परसेंट कितना बनेगा अठारह हजार दो लाख का आठ परसेंट सोलह हजार और डेढ़ लाख का नौ परसेंट तेरा इन सबको समझ लीजिएगातालीस पांच सौ कैप रेट निकाल लें डेट इज सैतालीस हजार पांच सौ डिवाइडेड बाय साढ़े छह लाख मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कितना बनता है कैपिटलाइजेशन रेट 7.3% 7.3% इज योर कैपिटलाइजेशन रेट ये हमारा कैपिटलाइजेशन रेट लगा आ गया तो पहला हमारा क्या होता है पहला अगर जनरल बोरिंग में बात करें तो पहला है था कि हमने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है वो हमने निकाल लिया अब पेमेंट को कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारे पास कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी कैपिटलाइज होनी है कितनी कैपिटलाइज नहीं होनी वो हमारा यहाँ पे इसका आ जाएगा अब पेमेंट के साथ ना दो तर, दो तरह के हमारे स्केड्यूल्स बनते हैं पेमेंट को लेके दो मेथड्स हैं दोनों मेथड्स तो नहीं क्या चाहिए दो वर्किंग की टेबल्स हैं आपको जो सूटेबल लगता है आप उसी के तहत कर सकते हैं जरा देखिएगा मैं दोनों आपको मेथड बता देता हूँ कैलकुलेट करने के या प्रेजेंट करने के आपको जो अच्छा लगे आप वही उसी को फॉलो कीजिएगा आप बनाते हैं यहाँ पे डेट डेट क्या आती है फिर आप लिखते हैं कि आपने एक्सपेंडिचर्स कितने किए हैं आप आप उसको ले लेते हैं फिर आप देखते हैं फिर देखते कि कैपिटलाइजेशन रेट जो आपने निकाला है वो यहाँ पे आप लिख लेते हैं और आप इसे वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड और यहाँ पे आ जाएगा बोरिंग कॉस्ट जो भी कैपिटलाइज कितनी कैपिटलाइज करनी है अब आप देखें आपने पहली पेमेंट की है स जनवरी दो हजार इक्कीस को सत्तर हजार रुपये की तो इकतीस जनवरी इक्कीस को आप सत्तर हजार की पेमेंट कर रहे हैं वो आ जाएगी <स्थाँगा> उसके बाद आपने दूसरी पेमेंट की है यक़म अप्रैल को अस्सी हजार रुपए की यक़म अप्रैल इक्कीस को अस्सी हजार रुपये की तीसरी पेमेंट आपने की है अल्लाह भला करे यकम दिसंबर को दस हजार रुपये की ये तीन पेमेंट्स आपने की हैं। <coughs> अब आप कैपिटलाइजेशन रेट आपने निकाला है आपने देखना होता है कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है या ईयर एंड क्या है मतलब आपने यहां पर देखना होता है ईयर एंड और क्शन कंप्लीटेड जो इनमें से अर्यर होता है इवेंट आपने वो लेनी होती है तो इसका इयर एंड भी इकतीस दिसंबर है देखिएयर एंड भी इकतीस दिसंबर है कंस्ट्रक्शन भी इकतीस दिसंबर हुई है अब आपके पास पेमेंट हैं जो आपने की हुई है आपके पास एक्सपेंसिज हैं. उसको आपने देखा हुआ है अब आपने देखना है कि कितने पीरियड तक आपकी ये पेमेंट आउटस्टैंडिंग रह रही है मतलब पेमेंट डेट से लेके ईयर एंड तक आपने देखना है कि क्या है और क्या नहीं है सत्तर हजार आपने पे किया जनवरी के एंड पे ये पेमेंट आपकी ग्यारह महीने क्या कर रही है आउटस्टैंड कर रही है ऐसे ही है तो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे ग्यारह महीने का फिर आपने एक पेमेंट की है अप्रैल में तो आप देखें वो अप्रैल से लेके ईयर एंड तक कितना टाइम बनता है नौ महीने बनते हैं एक आपने पेमेंट की है दिसंबर में ये सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए ही आउटस्टैंड रह रही है तो आप इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आपके पास इनके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा कितना बनता है इंटरेस्ट जरा बताइएगा पहले का आ रहा है फोर सिक्स एट फोर दूसरे का आएगा आपको फोर थ्री एट जीरो तीसरे का आएगा आपका सिक्सटी वन सिक्सटी वन इन सम करें कितना जवाब आता है नाइन वन टू फाइव ये जो 91255 है ये टोटल बोरिंग कॉस्ट है इन पेमेंट्स के ऊपर जो इनकर हुई है जो आपने यहाँ पे मेड की है तो ये अमाउंट आपने क्या करनी है इस अमाउंट को आपने कैपिटलाइज करना है आपकी एंट्री होनी चाहिए एसेट जो है वो आपका 9125 से डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट जो है वो आपका 9125 से क्रेडिट हो रहा होगा तो ये आप एंट्री पास कर रहे होते हैं इस तरह से तो ये सारी के सारी क्या है हमारी बोरिंग कॉस्ट जनरल बोरिंग कॉस्ट बोरिंग कैपिटाइजेशन से लेके बोरिंग कॉस्ट की कैप्टाइेशन uh, हमारी किस तरह से होती है या किस तरह से नहीं हो रही होती उसको हम देख रहे होते हैं एक और इसका तरीका होता है डेट इज क्यूमलेटिव एक्सपेंडिचर मेथड हम उस तरह भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं आपको दोनों में से जोन सा ईजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें हम क्या लेते हैं इसमें हम डेट लेते हैं ठीक है हम एक्सपेंस लेते हैं देन हम लेते हैं एक्सपेंडिचर्स, फिर हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है टाइम फ्रैक्शन आती है और हमारे पास आ जाएगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज अब आपने पहली पेमेंट की थी इकतीस एक बारह को डेट वाज़, सत्तर हजार दूसरी पेमेंट कर रहे हो आप एक चार बारह को सॉरी बारह को नहीं इक्कीस को ये कही थी आपने अस्सी हजार की तीसरी पेमेंट कर रहे हो आप यकम बारह इक्कीस को दस हजार की इंटरेस्ट रेट तो आपका वही 7.3% है बस यहाँ पे चेंज कहाँ पे आएगा प्रेजेंटेशन के ऊपर चेंज आ रहा होगा वो क्या होगा देखें पहली अमाउंट यही पहला एक्सपेंडिचर पे किया यही आपका क्यूम्युलेटिव एक्सपेंडिचर है इसको आपने काउंट करना है अगली पेमेंट तक कितने मंथ बनते हैं तो देखें अगली पेमेंट आप कर रहे हैं 1 अप्रैल यक़म अप्रैल को तो ये हुई थी इकतीस जनवरी को तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड बनता है मार्च फरवरी मार्च दो महीने का आप ये ले लें अगली पेमेंट आपने यक़म अप्रैल को की है आप ये पेमेंट अस्सी हजार और पिछली कितनी पेमेंट थी सत्तर हजार इन दोनों को जमा कर लें टोटल एक्सपेंडिचर है डेढ़ लाख रुपया अब इसको काउंट करें अगली पेमेंट तक कितने मंथ बनते हैं तो ये बनेंगे अप्रैल से लेके दिसंबर यकम आठ महीने आप इस पे आठ का इंटरेस्ट निकालें और तीसरी पेमेंट हो जाएगी आपकी अस्सी जमा डेट ये हो जाएगी एक लाख साठ हजार और इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा आपका एक महीने का बिकॉज एक लाख साठ एक माह के लिए आउटस्टैंडिंग रह रहा है अगर आप इनको सॉल्व करें तो कितना आपका टाइम पीरियड इंटरेस्ट आएगा जरा बताइएगा पहले वाले का बताएं कितना आता है सत्तर हजार इंटू सेवन पॉइंट थ्री परसेंट इंटू टू बाई ट्वेल्व एट फिफ्टी टू ये आ गया जी एट फिफ्टी टू दूसरे वाले का बताइएगा सेवेंटी थ्री हंड्रेड और तीसरे वाले का बताइएगा Nine, seven, three. इन तीनों का सम कितना बनता है? तो दोनों में अमाउंट जो है वो इतनी बन रही है आप देख लें यहाँ पे भी अमाउंट इतनी आई है यहाँ पे भी अमाउंट इतनी ही है तो इंटरेस्ट जो है वो दोनों तरीकों से सेम ही आता है अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने कौन सा मेथड करना है दोनों ठीक है दोनों पे है जो आप ईजी लगता है जिसमें आपके गलती होने के चांसेस कम है आप उसको कर लीजिएगा बट दोनों से आंसर आपका सेम आएगा और दोनों दोनों आपके एक्सेप्टेबल है बस दोनों में फर्क यह है कि इसमें आपने उस पेमेंट से लेके एंड तक जाना होता है और इसमें आपने क्या करना होता है इसमें आपने एक पेमेंट से अगली पेमेंट तक जाना होता है तो ये इस तरह से आप क्या कर रहे होते हैं इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये सारी बात थी हमारी जनरल बोरिंग से रिलेटेड जैसे एक और क्वेश्चन हम देख रहे जल्दी से <coughs> कहते जी? आपने टोटल बोरिंग कॉस्ट निकालनी है जो एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए एक है सिक्का स्पोर्ट्स लिमिटेड स्टेडियम बना रहा है कुछ सालों से ईयर एंड है उसका दिसंबर उसने एक्सपेंडिचर किया 25 पच्चीस लाख का तेईस लाख का उसका लोन जो है था वो आउटस्टैंडिंग सारी एक इस तरीक से एक इस तरीक से एक इस तरीक से ठीक है बारह परसेंट के ऊपर ये है चौदह परसेंट के ऊपर है और ये सोलह परसेंट के ऊपर है कि उसने हमें लोन के बारे में सारा बताया हुआ है हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटलाइजेशन रेट नंबर वन इसका सिंपल क्या होता है आप देखें आपके पास लोन कौन कौन से हैं आपके पास लोन ए एफ बी एल वाला है लोन बी बी एच वाला है लोन सी बी एफ वाला है तो इसकी आप अमाउंट ले लें कौन कौन सी कितनी कितनी बनती है इसके ऊपर आ जाएगा पांच मिलियन इसके ऊपर आ जाएगा दस मिलियन इसके ऊपर आ जाएगा साढ़े सात लाख फिर आप इनका रेट लिख लें यह है बारह परसेंट चौदह परसेंट सोलह परसेंट देन आप लिख लें इनका टाइम फ्रैक्शन देखिए आपका ये इकतीस दिसंबर ग्यारह तो ये शुरू हुआ होगा यकम जनवरी से लेके इकतीस बारह तक तो यकम जनवरी से पहले एक ये लोन है एक ये लोन है तो दोनों का तो टाइम फ्रैक्शन वन ही बन रहा है इस साल आपने लोन लिया है सोलह परसेंट वाला वो आपने लिया है सितंबर में तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये बनेगा आपके लिए चार महीने के लिए क्योंकि आपने यकम सितंबर को लिया ना तो यकम सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक काउंट करें सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये टाइम फ्रैक्शन आ गई अब इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करें आपके पास वेटेड लोन आ जाएगा कितना बनता है तो ये तो बनेगा पांच मिलियन ही ये बनेगा दस मिलियन ही और ये बनेगा साढ़े लाख का अगर हम लें फोर बाय ट्वेल्व लाख ये बन जाएगा हमारा ढाई लाख ये हमारे पास आ गया वेटेड लोन अब इस इंटरेस्ट रेट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी कितनी सॉरी हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा कितना बन रहा होता है तो जरा कीजिएगा छ लाख चौदह लाख और ये चालीस हजार इन सब का सम कीजिएगा रेट निकालें कितना बनेगा टू जीरो फोर जीरो ट्रिपल जीरो इसको डिवाइड करें वन फाइव टू फाइव जीरो ट्रिपल जीरो से मल्टीप्लाई करें आप हंड्रेड से आपके पास रेट आ है कितना बनता है थर्टीन पॉइंट थ्री एट परसेंट ठीक है जी थर्टीन पॉइंट थ्री एट परसेंट इज योर लोन ये लोन है जो आपने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है अब हमने देखना कि हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है ये अप्रैल में पेमेंट की है ये जुलाई में पेमेंट की है देखिएगा इसमें से ये आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो आपका 13.38% है ये भी आपका 13.38% है अब आप देखें आपका पीरियड आउटस्टैंडिंग कितना बन रहा है तो ये आपने अप्रैल पेमेंट की है देखें में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस पे आएगा आठ महीने का इंटरेस्ट इस पेमेंट वो आपने की है जुलाई में तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये आएगा आपका पांच महीने का इनको मल्टीप्लाई करें क्या जवाब आते हैं पहले बनेगा डबल टू थ्री ट्रिपल जीरो और दूसरे बनेगा वन टू एट टू टू फाइव कैलकुलेशन आप लोग करके दे रहे हैं गलती हुई आप लोग रिस्पॉन्सिबल करें थ्री फाइव वन डबल टू फाइव ये वो अमाउंट है ये वो बोरिंग कॉस्ट है जो हमने क्या करनी है कैपिटलाइज करनी है ये अमाउंट जो है जनरल बोरिंग की हमारी क्या होनी चाहिए कैपेसिटी होनी चाहिए तो मैंने आपको जनरल बोरिंग के दो क्वेश्चंस करवा क्वेश्चन इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू वगैरह नहीं होना चाहिए कि कैसे होती है और कैसे नहीं होती इज दैट क्लियर उसके बाद है इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इम्पेयरमेंट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो टॉपिक है यानी वो एरिया है अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं मतलब वो चीजों को रिलेट नहीं कर पाते और ये भूल जाना की गलती जो है वो आप लोगों की अपनी है ये जो गलती है ये आप लोगों की सर मेरा सवाल है कि जनरल लोन और भाई से कहते हैं माइंड को प्रेजेंट करके बैठते हैं पहली पहली बात यही कही थी कि वो बताएगा कि जनरल लोन कौन सा है और स्पेसिफिक लोन कौन सा है। वो बताता है हमेशा कहाँ से उस वक्त दिमाग किधर था बताया है स्पेसिफिक लोन पे वो स्पेसिफिकली बताएगा कि लोन आपने इस प्रोजेक्ट के लिए लिया है जब बता दिया कि लोन किसी प्रोजेक्ट के लिए लिया है तो वो फिर स्पेसिफिक लोन है <coughs> ये वाला जो पॉइंट है ना इंपेरमेंट टेस्टिंग वाला ये वो है जिसको बच्चे फोर ग्रांटेड लेते हैं आप कह रहे हैं सर प्लीज आंसर करें जलील ना करें तो आप वेबिनार लीव कर अगर आपको फील हो रहा है तो एक मिनट में आपको रिमूव कर दूं सारा बेहतर रहेगा फिर शेंट बट यू शुड नो कि आप किससे बात करें कैसे किस टॉम ने बात कर रहे हैं बी रिस्पेक्टफुल बी रिस्पेक्टफुल सर कैप्टेशन के लिए टाइम पीरियड पहले तो पेमेंट में नहीं गलत कर रहे हैं आप लोग टाइम काउंट कैसे किया टाइम देखे उसने बताया तो है आपको ये डेट है आपकी ये आपका ये रेंड है तो आप देखें तीन माता गुजर चुके हों में आपके तो आप इससे चले ना ऑनवर्ड मे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिंपल सी बात है और चले आप नमाज पढ़ लें बच्चे ग्लाची वाले पांच मिनट का ब्रेक कर रहा हूं मैं तब तक क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूं मैं आगे नहीं पढ़ा रहा पांच मिनट में जल्दी से नमाज पढ़ लें आप मैं क्वेश्चन आंसर्स कर रहा हूँ मतलब आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूँ पाँच मिनट सिर्फ आगे फिर मैं मैंने वाइंड अप करना है थोड़ा सा रह गया आगे इम्पेयरमेंट रह गया इसका इम्पेयरमेंट टेस्टिंग रह गई है और पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन और एक सवाल ये खत्म सिक्स ट्वेंटी फाइव पे मैंने बता देना री इन्वेस्टमेंट इनकम मंथ्स का बता दें कौन सी 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 इस सवाल में बात कर रहे हो सामा भाई उस्मान रुक जा भाई बता देता हूँ बता देता हूँ बता देता हूँ सामा को पूछ मुझे इस सवाल की बात कर रहे थे भाई सिंपल सी बात है ये देखो ना उसने यकम फरवरी से लेके अट्ठाईस फैब तक पूरा एक महीना अमाउंट इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे एक मंथ का टाइम पीरियड आया था। बट पे पेमेंट किया उसने को उसने मिलियन वो इन्वेस्ट किया होगा ये ध्यान से पढ़ना चाहिए कोई बेंच मार्क के टाइम सस्पेंस टाइम एक मिनट यार सर कोई बेंच मार्क है कि आपके सवाल दोबारा पुछ, सस्पेंशन, सस्पेंशन पढ़ाना है सस्पेंशन अभी सस्पेंशन ये जो दोबारा सवाल पूछिएगा आपका सवाल काफी ऊपर चला गया दोबारा टाइप अपना सवाल कॉपी पेस्ट कीजिएगा कि बेंचमार्क सवाल कौन सा

लोन के लिए मंथ लोन की डेट से लेके ईयर एंड तक पेमेंट के लिए मंथ पेमेंट की डेट से लेके ईयर एंड तक अगर मंथ पे, अगर पेमेंट मंथ के एंड पे की गई है तो वो मंथ तो निकल गया ना अगर पेमेंट 30 अप्रैल को की गई है वो खत्म हो गया अब आगे चलना तो है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो यहाँ पे काउंट हुआ इस मंथ से ऑनवर्ड मर्ड आप एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कौन सा पूछ रहे हो बेंचमार्क रेट कोई नहीं होता लोन के लिए टेक्स का सेशन वो तो पहले आर कर ले आर कर ले तो प्रिंसिपल रीपेमेंट वाला सिनेरियो भी डिस्कस कर दीजिएगा नहीं इतना टाइम नहीं होगा तो जनरल बोरिंग क्वेश्चन ए का मेथड टू के थर्ड स्टेप पे नाइन से सेवन नाइन सेवन थ्री आ रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोगों ने किया तो आंसर गलत आया होगा यू गाइस आप लोगों ने गलत करके दिया है तो ये आप लोगों की मिस्टेक है लेकिन आप जवाब से ज्यादा आप देखें मेथड समझ आ गया जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है मेथड इंपॉर्टेंट है वो okay, क्या कहते हैं हाँ दोबारा त्रिपाथी का त्रिपाथी का डायलॉग आ गया जी असद पूछे क्या सवाल है इस क्वेश्चन में टाइम कौन सा समझने रेट के बाद मतलब ये टाइम पीरियड तो आ रहे हो ये आठ बाई बारह पाँच में बारह की बात कर रहे हो आई एस थर्टी सिक्स करवा के जाऊंगा चाहे मैं आठ बजे वाइंड अप करूं चाहे एक बच्चा बैठा रहा 36 थर्टी सिक्स तो मैं करा के जाऊंगा मैंने ट्वेंटी में थर्टी सिक्स की बात की है मैंने ट्वेंटी थ्री में थर्टी सिक्स की बात की है मैंने फोर्टी में किया तो थर्टी सिक्स तो में करा के जाऊंगा

एक साल है बिकॉज ये लोन इस साल शुरू होने से पहले लिया हुआ है ये लोन इस साल शुरू होने से पहले लिया हुआ है तो दोनों लोन हमारे पास 12 महीनों के लिए आउटस्टैंडिंग है मल्टीप्लाई करेंगे जवाब यही आएगा अगर एक स्पेसिफिक दो जनरल लोन हो तो कैसे ट्रीटमेंट होगा पहले स्पेसिफिक लोन से बार जनरल लोन से पहले स्पेसिफिक लोन बाद में जनरल लोन <coughs> यार ये सारी की सारी मैं आप लोगों को जितना लिख रहा हूँ वो दे दूंगा एट द एंड ऑफ सेशन आप लोग जो जो हुएंगा मतलब मुझे आप बता दीजिएगा मतलब जो ग्रुप में है रेगुलर बच्चे उनको तो मिल जाएगा ना जो रेगुलर बच्चे नहीं जो आउटसाइडर हैं मैं एट द एंड नंबर और ईमेल दे दूंगा आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जी ड्राइव के लिंक में ये सारा कुछ अपलोडेड होगा आप वो कर लीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर IAS 16 आज ना करवा पाया मैं तो माइट बी फ्राइडे या थर्सडे इन दोनों में से किसी एक दिन में शाम के टाइम आई एस सिक्सटीन और जितने आज स्टैंडर्ड करवाए हैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन चार घंटे में करवा दूंगा ठीक है तो अब आप मैं आपको ईमेल दे दूंगा, आप मुझे मेल कर लीजिएगा मैं आपको ड्राइव कर दूंगा व्हाट्सएप कर दीजिएगा बनाई है ना बड़ी से वो ऐसे नहीं देने <coughs> समरी पे शायद मैं एक काम करूं मैं समरी की एक वीडियो फॉर्म में डिस्कस करके उसमें क्यूआर कोड डाल के फिर शेयर करूंगा ताकि आप क्यूआर कोड स्कैन करें पूरी की पूरी समरी आपको सात आठ मिनट में रिवाइज हो रही कि इस स्टैंडर्ड में क्या कुछ था और क्या कुछ नहीं था तो एक क्यूआर कोड की फॉर्म में मैं कर दूंगा अगले वीक में अगर टाइम मिला जो टैक्स का हाँ टैक्स का भी है ना तो टैक्स का फ्राइडे को है आर वन का रखा तो सैटरडे को रखो ओह थर्सडे को रखूंगा तो आर के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे वो थर्सडे को करवा दूंगा और सिक्सटीन और टैक्स जो होगा वो फ्राइडे को रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो होती है वो जनरल बोर्निंग में आती है और डे टाइम में रखूंगा इवनिंग टाइम रखूंगा गालिबन चार बजे के बाद चार बजे के बाद हो जब भी ओ भाई मैंने कसम से मैंने कहा कि पीडीएफ दे दूंगा पीडीएफ दे दूंगा ईमेल दे दूंगा मुझे ईमेल कर दें व्हाट्सएप दे दूंगा व्हाट्सएप कर दें, तो जी ड्राइव का लिंक दे दूंगा क्लिक करके सब कुछ डाउनलोड कर ली क्यों नहीं सुनते यार और फिर जो आज के अटेंडिस होंगे अगला सेशन माइट भी इतना पब्लिक ना हो जितना सेशन आज का पब्लिक था लेकिन मैं एक चीज कमिट कर दूंगा कि जो जो आज के ना उनको नेक्स्ट सेशन का लिंक फॉरवर्ड कर, कर दिया जाएगा ताकि वो बच्चे अटेंड कर दें मतलब एंड तक तो जो बच्चे होवे उनको नेक्स्ट सेशन का लिंक अगले वीक पे फॉरवर्ड करवा दिया जाएगा ताकि उनका कोई नुकसान वगैरह ना हो <coughs> ठंडी कॉफी जहर लग रही है भी हर चीज ठंडी करके पी लो <coughs> <coughs> भाई पूछने हैं हसीब भाई जल्दी से पूछें वरना मैं शुरू करूं क्या समझ लड़ी कॉफी जहर हो गई थी यार अभी तक हुई पड़ी है मेरी मैं बड़ा बड़े जहाँ चार सौ चौदह लड़ी जैसे कुछ बच्चे पागल है इस टाइम तक बैठे होंगे <laughs> <laughs> मतलब जब का सेशन स्टार्ट हुआ है अभी से लेके ले अभी तक कितने क्या किताब पकड़ते हैं सवाल करते हैं टक शुरू कर देते हैं वो किताब से सवाल करते रहते हैं करते रहते हैं। आई कैप पिछली चार अटेम्प्ट्स से वो पूछ ही नहीं था वो अगले जो तीन स्टैंडर्ड्स है ना वो उनको उठा के पीछे मारते हैं और आप ने अभी तक ना किसी बच्चे ने मार्किंग स्कीम में देखी आईएस 16 इटसेल्फ जो है ना उसके सवाल में नंबर कम है सर एक एक्षाँनर क्मेंट्स, एक्षाँनर क्मेंट्स एक जेपी सेशन करेंगे जो स्पेशल एग्जामिनर कमेंट्स एक जो हमारी सितंबर में डिस्कशन हुई थी मीटिंग हुई थी जब वो बड़े हाउस में तब भी हुआ था कि बच्चे समझ रहे हैं कि उनको पता है क्या हो रहा है उनको नहीं पता एक बीस नंबर के सवाल में बच्चे समझते हैं नंबर रिवेल्यूशन किए नहीं है उसके आठ नंबर है बाकी बारह नंबर जो होते हैं बाकी स्टैंड के होते हैं बीच में से। सेम गोज विद आर टू ये बच्चे नहीं समझ लेंगे इनको भी भी मेरे वोटर छोटे हैं घबराना <laughs> नहीं है घबराना नहीं <laughs> लेकिन बंदा घबराना पाई उसने कहा था कि घबराना नहीं है आम नहीं घबराई वाम की चीखें निकल रहे जी कंटिन्यू करते हैं हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग जो है ना मैं आपको एक बात बता दूं इंपेयरमेंट एक वाइज स्टैंडर्ड है वो कहते हैं ना तुम जहां तक जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा ये वो इंपेयरमेंट है इम्पेयरमेंट स्टैंडर्ड है कि आप जहां तक जाओगे ये आपको पीछे नहीं छोड़ेगा कोई भी asset जो है न, assets, asset है ना की तलवार है ऊपर। हमेशा अवेलेबल रहती है हमेशा जो है इंपेयरमेंट रहती है हम क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली हमने इम्पेयरमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं चैप्टर पढ़ लिया हमने इम्पेयरमेंट का हम इम्पेयरमेंट का चैप्टर पढ़ते साथ ही करते हैं सिर्फ उसको वहां तक ही महदूद रखते हैं उसको हम आगे इम्पेयरमेंट को कैरी नहीं करते इम्पेयरमेंट हर जगह कैरी होती है लाइक <coughs> like, अभी आप बात कर रहे थे हमने गवर्नमेंट ग्रांट देख के आए गवर्नमेंट ग्रांट देख के आए अभी हम उस गवर्नमेंट ग्रांट में हमने एक चीज देखी थी कि जब रिपेमेंट होती है हम फौरी तौर पर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पे भागते हैं ऐसे है था आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरी कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल के ऊपर आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं आप बोरिंग है ना आई कैप आई कैप ने अभी तक बच्चों को बहुत ज्यादा इजी रखा हुआ है लाइक लिटरली स्टैंडर्ड्स में नॉलेज है ना अगर आई कैप आपके लेवल पे ही टेस्ट करे बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हैं तो डेट्स वाई एग्जामिनर कमेंट्स एक बहुत बड़ा आपको है जिसमें रहा है कि प्लीज हमारे पे इट्स ना करें. करें, लेकिन मजीद चीजों के ऊपर अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके बैठे बिकॉज हम कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं लिख के नहीं दिया कि अगर वो बोरिंग कॉस्ट हो गए तो बोरिंग करवाते नहीं पूछेगा क्या आई ने कहीं लिख के दिए

माइंड को उस चीज में लगाएं कि अगर आई कैप ये पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने पढ़ा हुआ है हम कर लेंगे तो इम्पेयरमेंट जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे जाती है अब यहाँ पे इम्पेयरमेंट कैसे आएगी वो देखिएगा कि आप एक एसेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपका एक एसेड कंस्ट्रक्शन फेज में आप एसेड बना रहे हैं अगर उस एसेड की मतलब क्वालिफाइंग एसेड की जो कॉस्ट है यहाँ जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है आप हर साल अंदाजा लगा रहे हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इतनी है इतनी है इतनी है इतनी है मतलब आपने बिल्डिंग स्टार्ट की साल के शुरू में साल के एंड तक आपने उसके पर खर्चा वगैरह किया आपने लेबर लगाई आपने मटेरियल लगाई आपने अदर एक्सपेंसेस वगैरह इनकर किए आप यहाँ पे पहुँच गए कि जी हमारी टोटल कॉस्ट ये बनती है जो हमारी इनकर हुई है इस बिल्डिंग के ऊपर फिर आपने जी इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज करके वो भी इसका पार्ट बना दिया आपने कहा देखिये हम ये बिल्डिंग बना रही है अभी तक हमारी ये इसकी इतनी कॉस्ट बन रही है ठीक है लेकिन अगर मार्केट में जाके देखा जाए उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या वो रिकवर इतने कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी <coughs> वो ना आपकी हो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाए और मार्केट में अमाउंट कम उसको रिकवर हो रही हो अगर ये चीज हो जाए तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी तो हम करेंगे अभी देखते हैं हैं किस तरह करते तो ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं या उन तमाम एसेट्स में जिसमें हो रही होती है हम उसमें क्या करते हैं हम उन एसेट्स की अमाउंट कैरिंग वैल्यू को हम हमेशा रिकवरेबल अमाउंट के साथ एट द एंड पीरियड मेजर कर रहे होते हैं अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई है फिर हम क्या करेंगे फिर हम उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तरफ मूव हो रहे होंगे तो इम्पेयरमेंट की तलवार हमेशा क्या होती है हमारे सर के ऊपर सवार होती है उसके बाद पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन इसमें है कि हमने कब से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है किस दिन से और कब तक कब से कब तक का हमने सफर देखना है क्या है क्या, है, क्या नहीं है मतलब हमने देखना है कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की स्टार्ट कब से होना है उसको किस तरीक से हमने कैपिटलाइज करना स्टार्ट करना है वो हम देखना है और सिजेशन हमने किस डेट तक उसको एंड करना है वो हमने यहाँ पे सीखना है ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 12 महीने कोई एसेट बिल्ड हो रहा है 12 महीने हमारे पास एसेट चल रहा है तो कितने अर्से की हमने कमेंसमेंट करनी है कितने अर्से की हमने कमेंसमेंट नहीं करनी कहाँ पे हमने बोरिंग कॉस्ट रोकनी है और क्या कुछ इसमें आएगा हमने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करना है अगर कमेंसमेंट ऑफ की बात की जाए कि हम कब से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं इसमें सिंपल सा है कि हम किसी भी क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर बोरिंग कॉस्ट उस वक्त कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं जब हमने उस एसेट के ऊपर अखराजात करना शुरू कर दिए हैं या हमारी बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गई है या हमारी जो एक्टिविटीज वगैरह थी जिस एसेट को इस्तेमाल करने के लिए या बेचने के लिए थी वो शुरू हो गई तो जो सब इवेंट हमारा इनकर हो जाए हम उस डेट से क्या करेंगे कैपिटलाइज़ करना शुरू कर देंगे नॉर्मली पे हमारे एग्जाम लेवल में वो एक्सपेंडिचर्स वगैरह देता है कि आपने एक्सपेंडिचर पहला इनकर कर दिया तो जब आपने एक्सपेंडिचर शुरू कर दिया तो आप वहां से क्या करेंगे तो आप कैपिटलाइजेशन शुरू कर देंगे उसके बाद है <coughs> सस्पेंशन ऑफ कैपिटाइजेशन लेकिन सस्पेंशन से पहले हम देखते हैं सिजेशन क्या होती है Secession का मतलब क्या होता है सीज का मतलब होता है खत्म करना रोक देना हमने किस डेट पे स्टार्ट करनी है और हमने किस डेट पे जाके एंड करनी है कैपिटलाइजेशन उसको हमने यहां पे देखना होता है नॉर्मली जब हमारे एसेट की जो कंस्ट्रक्शन है या उसकी जो कम्प्लीशन है अगर वो सबस्टली कम्प्लीट हो जाए हम उस दिन तक क्या करते हैं कैपिइज कर रहे होते हैं मतलब आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और एक बिल्डिंग आपके सब्सटानशली कंप्लीट हो गई है ना तो उस दिन आप क्या करेंगे उस दिन हम इसे उस दिन तक हम क्या करेंगे इसको कंप्लीट वगैरह कर रहे होंगे अगर आपकी सजेशन के बाद भी मतलब सब्सटानशली एक बिल्डिंग कम्प्लीट होने के बाद भी कोई चीज वगैरह इनकर हो रही है तो उस पीरियड की हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे होते example, आपके एक बिल्डिंग कम्प्लीट होगी इस डेट के ऊपर इस डेट के ऊपर 98% बिल्डिंग आपकी डन हो गई है आपने कहा जी मेरी बिल्डिंग सब्सटानशली कम्प्लीट हो गई है ठीक है जी यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर ली हाँ आपको बाद में याद यार वो एक रूम में हमने पेंट करना था आप वो पेंट कर रहे हैं

आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर दिस 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 और वो कह देगा कि आपका एसेट जो है वो कंप्लीट हो गया है गालिबन 31 नवंबर दिस 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 डिस हमने जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी होती है हमने जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी होती है वो इस डेट तक करनी होती है जो इनमें से अर्लियर हो मतलब अगर अगर हम ईयर एंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा एसेट ईयर एंड से पहले ही कंप्लीट हो गया है तो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा हमने उस डेट तक की क्या करनी है बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दैट डे टिल दैट पीरियड हमने क्या करना होता है इस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करनी होती है तो सजेशन भी आसान होती है कमेंसमेंट भी आसान होती है प्रॉब्लम जहां पे आती है वो अक्सर जो होता है वो पॉइंट सस्पेंशन का होता है कि सस्पेंड अगर हमारा काम रहे तो फिर क्या होगा और कैसे होगा अब सस्पेंशन का मतलब है टेम्परेरी तौर पर रुकना टेम्परेरी तौर पर आपने अपना काम स्टॉप कर दिया अब काम स्टॉप हो गया क्या उस टाइम पीरियड में जिसमें हमने काम स्टॉप किया हुआ है क्या हम उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट स्टॉप करेंगे क्या हम उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे इसके ऊपर सवाल है कि क्या इस सस्पेंडेड पीरियड की जिसमें काम हमारा सस्पेंडेड रहा इसकी बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करनी है या नहीं करनी इसको जरा हमने देखना है तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं अब बिल्डिंग ये तो ये ना बिल्डिंग कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है बिल्डिंग जो है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है आप एक डैम बना रहे हैं डैम की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है

इस इस तरह आपके काम सस्पेंड हो सकते हैं आप एक घर की स्टोरी बनाते हैं एक बिल्डिंग की स्टोरी बनाते हैं अब एक बिल्डिंग का लैंडर पड़ गया एक स्टोरी का पड़ गया अब आप ऊपर कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कर सकते जब तक आपका डेज काम नहीं रुकेगा जब तक आप फिफ्टीन ट्वेंटी डेज वेट नहीं करते उसको मजबूत होने का काम आपका बंद रहा या आपका काम शुरू हुआ था काम लग रहा था आपके लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी दस दिन काम बंद रहा आना जो सप्लायर्स है मटेरियल की उनकी स्ट्राइक होगी काम आना बंद रहा गवर्नमेंट ने आपको थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन लगा दिया गवर्नमेंट ने काम आपका रोक दिया अब आपका काम रुक रहा है काम कंप्लीट नहीं हुआ काम आपका रुक रहा है अब सवाल यह है कि अगर काम रुक रहा हो तो जिस महीने काम रुकेगा या जिस टाइम पीरियड के लिए काम रुकेगा क्या उस टाइम पीरियड को भी हमने कैपिटलाइज करना है या नहीं करना इसमें हम देखते हैं कि जो सस्पेंशन है क्या वो असेंशियल है या वो असेंशियल नहीं है अगर वो जो सस्पेंशन है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है कि उस उस कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस का का चीज़ प्रोसेस पार्ट है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते ये जो है सस्पेंशन आप इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते अन अवॉइडेबल है पार्ट ऑफ प्रोसेस है तो इस पीरियड की जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो हमारी कैपिटलाइज हमेशा होगी जैसे आप घर बना रहे हैं आपने लेंडर डाल दिया अब आपको 15 डेज के लिए स्टे करना पड़ेगा अगर आप स्टे नहीं करते आप उसको थोड़ा सा सोलिडिफाई uh, नहीं होने देते आपकी इमारत गिर जाएगी अब ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है आप इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते सो so, ये 15 डेज का स्टे जो आपने वेट किया है ये जो फिफ्टीन डेज का स्टे होगा इसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी लेकिन एक है नॉन असेंशियल आपके लेबर्स ने स्ट्राइक की हुई थी जिनकी वजह से आप 15 डेज एंड 20 डेज काम नहीं कर सकते अब ये पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं है लेबर की स्ट्राइक कहाँ से पार्ट ऑफ प्रोसेस है तो अगर इस पीरियड काम सस्पेंडेड रहेगा तो इस पीरियड की ना तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी याद रखिएगा, जो नॉन एसेंशियल होगा ना इसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी ना इस पीरियड की हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज हो रही होती है आपको वो नहीं इतना डेप्थ में जाके पूछेगा लेकिन अगर वो पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसेंशियल वो हमारे वा होते हैं सस्पेंशन पीरियड उसकी बोरिंग कॉस्ट हम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं उसकी बोरिंग कॉस्ट हम हमेशा इग्नोर कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर इतने डेप्थ में जाकर नहीं पूछेगा बिकॉज़ आपके अब इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो 8 नंबर तक का है <coughs> तो आठ नंबर तक इतना डेप्थ में जाकर नहीं पूछेगा लेकिन हाँ वो पूछ सकता है लेकिन मेरे ख्याल से इतना भी नहीं बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस पीरियड की सस्पेंशन कैपिटलाइज होगी किस सस्पेंशन पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी और किस सस्पेंशन पीरियड की बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगी क्लियर है ये आई एस सिक्सटीन के साथ अगर वो मिला भी दे तो आपने असूल को नहीं देखना प्रॉब्लम आप फिर वही आप एक चीज समझ नहीं रहे आप क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है या क्या नहीं है आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा अपने माइंड को आप रूल्स को समझे ना आप एक प्रिंसिपल को समझ लें आप उस प्रिंसिपल को क्वेश्चन में अप्लाई करें आप प्रॉब्लम हमारी यह होती है मेजोरिटी हम क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में से प्रिंसिपल निकाल रहे होते हैं नहीं आप उसके ऊपर प्रिंसिपल करें ना तो फिर क्या होगा आपको इजी रहेगी अब आपको याद हो गया कि यार एक है एक, एक, एक नॉन तो असेंशियल करनी करनी है जो पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं है उसका हमने कैपिटलाइज नहीं करना सिंपल सी बात है तो असूल पे कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करें कंसेप्ट अपने स्ट्रोंग करें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो आप मार्क्स वहां से निकाल सकते हैं जी इसके बाद इसकी डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट मतलब अगर आप बोरिंग कॉस्ट तो या आपने कैपिटलाइज वगैरह की है तो इसको डिस्कलोज करके बताना होता है सिंपल इसमें दो लाइनें लिखनी होती हैं कि इस पीरियड में इतनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की वो लिखनी है आपने इतनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई वो लिखनी है आपने उसके अलावा कि कैपिटलाइजेशन रेट क्या इस्तेमाल हुआ था वो आपने लिखना होता है डेट सेट ये इसकी क्या है ये इसका डिस्कलोजर होता है तो ये यह यहाँ पे हमारा बोरिंग कॉस्ट जो है वो क्या होता है कम्प्लीट होता है इसका सवाल बोरिंग कॉस्ट का करने के लिए ना ये एक फॉर्मेट है इसको समझ लें इसमें वैल्यूज को उठा के पेश करते जाइएगा आपका 80 से 90 परसेंट क्वेश्चन जो होगा वो सोल्व होता जाएगा देखें बोरिंग कॉस्ट का जब भी सवाल आएगा ना तो इससे बाहर कोई चीज इससे बाहर कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है आपने निकालना होता है कि आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं एसेट पे इनकर आपने वो देखने होते हैं और उसमें जो बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है वो आपने देखनी होती है तो स्पेसिफिक बोरिंग्स आप देखते हैं और आप देखते हैं कि जनरल बोरिंग्स कितनी आपने कैपिटलाइज करनी है आप इनको देख रहे होते हैं तो इसको ये फॉर्मेट याद कर लें इस फॉर्मेट को समझ लें बाकी आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होगी तो ये आप कैलकुलेट करते हैं तीनों तो आपके पास टोटल जो एसेट की कॉस्ट है वो आ जाती है तो इंटरेस्ट इनकर ड्यूरिंग द ईयर सिंपल सी बात है जो भी आपकी स्पेसिफिक बोरिंग होगी उसका जो फोर्थ इंटरेस्ट होगा आप वो निकालेंगे उसमें से जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी आप वो लेस कर देंगे यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगी स्पेसिफिक बोरिंग कितनी आपकी कैपिटलाइज हो रही है जनरल बोरिंग के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा एडिशनल वो क्या होगा आपको सबसे पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा मल्टीपल लोन होंगे आपके पास आउटस्टैंडिंग पीरियड होगा लोन की अमाउंट होगी अब आउटस्टैंडिंग लोन निकाल लीजिएगा इंटरेस्ट रेट होगा इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग लोन पर डिवाइड करेंगे आपके पास कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा उसके बाद वर्किंग वन पॉइंट टू बताइए बनाइएगा बताए, कि पेमेंट्स वगैरह किससे कर रही हैं अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं स्पेसिफिक बोरिंग है जनरल बोरिंग है, है तो ओन फंड भी है तो अगर आपने कोई स्पेसिफिकली लोन ऑबेन किया होता है तो आप पेमेंट वगैरह करते हैं स्पेसिफिक बोरिंग में से जनरल बोरिंग में से हम सबसे एंड से पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं लोन किया पेमेंट पहले करोगे स्पेसिफिक से फिर स्पेसिफिक से जब तक स्पेसिफिक खत्म नहीं हो जाएगी स्पेसिफिक लोन खत्म नहीं हो जाएगा आप सारी पेमेंट से करते रहेंगे सारी ये पेमेंट होगी अगली पेमेंट आप कहा से करेंगे जनरल बोरिंग से कर रहे होते हैं तो जो जनरल बोरिंग से पेमेंट वगैरह करेंगे आपने उनको निकालना है कितनी पेमेंट आपने जनरल बोरिंग से की है जब आपके पास आ गया पता कितनी पेमेंट जनरल बोरिंग से की है

सवाल को ध्यान से पढ़ें इस फॉर्मेट में डाटा को फिल करते जाए आपका बोरिंग का सवाल होगा वो आपका कंप्लीट होता जाएगा इन ये फॉर्मेट और डाटा अगर नहीं है यकीन आप इनका स्क्रीनशॉट लें मैं आपको भी एक सवाल कराता हूं हूँ देखते हैं इन फॉर्मेट में सवाल डाटा फिल करने से होता है या नहीं होता ये एक सवाल करते हैं मल्टीपल बोरिंग हैं इसमें इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना कैसे सॉल्व नहीं करता प्लीज जरा अपने कैलकुलेटर फिर से खोल लीजिएगा और जो गलती वगैरह होगी वो आपके एंड पे होगी बिकॉज वैल्यू मुझे जो है वो आप लोग कैलकुलेट करके दे रहे हैं तो सारी गलतियां वगैरह आपके एंड पे है मैंने आप लोगों की वैल्यूज को देख के डाटा लिखना है देखें जी वो कहते हैं सवाल पढ़े जरा आप लोग एक और गलती करते हैं आप लोगों को सवाल पढ़ना नहीं आता सवाल पढ़ना सीखें सवाल जो है अगर वो आपको पढ़ना आ जाए तो फिर जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी चीजें कि क्या है क्या नहीं है तो नुमेरिकल क्वेश्चन में मैं हमेशा कहता हूँ दो चीजें आपके ऊपर मस्त होनी चाहिए नंबर वन ये सवाल को एग्जाम में भी आपने थ्री टाइम्स पढ़ना है तीन दफा सवाल को पढ़ने की हैबिट जो है वो अपने ऊपर फर्ज कर लें अपने ऊपर वाजिब कर लें ये तीन दफा से कम हमने सवाल पढ़ना ही नहीं है तीन दफा सवाल हमने हर हालत में पढ़ना है That's वाजिब ताकि आपकी सवाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए सवाल है कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी हमने वो कैलकुलेट करनी है और कितनी बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होगी हमने वो कैलकुलेट करनी है कंपनी ए ने 9000 बोरो किया है 15 परसेंट पर एन के ऊपर एक प्रोजेक्ट को फंड करना है जो फर्स्ट जनवरी को स्टार्ट होगा एक्सपेंडिचर जो उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर मेड किए हैं वो इकतीस दिसंबर 2016 तक या मार्च को पेमेंट की 2500 की या अक्टूबर को पेमेंट की बयालीस सौ रुपए की या दिसंबर को पेमेंट की तेईस सौ रुपए की तीन पेमेंट्स की हैं उन्होंने और इसका अगर हम सम करें तो कितना बनता है तेईस सौ फाइव हंड्रेड नाइनटी फाइव हंड्रेड का सम बन रहा है नहीं, दो तीन छे पैंसठ सौ पैंसठ नौ हजार बनते हैं सामने इसका हो जाओ उसने क्या जो सरप्लस फंड है वो आप दस परसेंट के ऊपर जब भी अवेलेबल होगा इन्वेस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज जो है थी फर्स्ट मार्च को शुरू हुई थी प्रोजेक्ट कंप्लीट जो प्रोजेक्ट था वो सस्पेंडेड रहा था अगस्त के महीने में और सितंबर में और रिज्यूम हो गया था कंस्ट्रक्शन जो है वो 31 दिसंबर 2016 को कंप्लीट हुई है तो ये सवाल है इसको तीन दफा पढ़ने के बाद हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ इसमें नहीं हो रहा एक्चुअल में यहाँ पे क्या है एक्चुअल में ये है कि आपने अमाउंट बोरो की लेकिन आपने अभी तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया पहली लाइन कमेंसमेंट कब से करनी है हमने एक्सपेंडिचर देखने होते हैं हमने लोन पहले ले लिया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया तो इसकी अगर मैं टाइम आपको समझाना चाहूँ कुछ इस तरह से टाइम बन रही है यहां से लेके यहाँ तक फर्स्ट जनवरी से लेके इकतीस बारह तक टाइम है अब देखें लोन आप ले रहे हैं इस डेट के ऊपर इस डेट पे लोन लिया लेकिन एक्सपेंडिचर्स आपके शुरू हुए हैं फर्स्ट मार्च से एक्सपेंडिचर्स फर्स्ट मार्च से शुरू कर रहे हैं यहां से और बीच में एक ऐसा पीरियड आएगा जाके जब उसने कहा था अगस्त के महीने में मतलब यहाँ जाके एक महीना हमारा काम जो है था सस्पेंड रहा हमने काम अपना रोक दिया अब एक्चुअल में देखा जाए जो हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन बन रहा है ना वो तो बनता है हमारा ये कि हमने यहां से लेके जब हमारी पेमेंट हुई यहां से लेके ईयर एंड तक हमने क्या करना होता है कैपिटलाइजेशन करना होता है लेकिन इसमें एक महीना ऐसा है जहां पे हम कैपिटलाइजेशन नहीं कर रहे होंगे तो ये देखना है कैसे कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए कैसे हमारी कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए उसको जरा हमने देखना है तो सवाल तो हमारा ये हो गया और सिंपल सी बात है एक चीज आपने याद रखनी है कि बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होती है हमारी वो एसेट का पास बनती है और जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही होती है ये वो बोरिंग कॉस्ट है जो कैपिटलाइज नहीं हो रही होती तो हमने देखना है कैपिटलाइज कौन सी नहीं हो रही और कैपिटलाइज कौन सी हो रही है उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह करनी है अब पहली बात है हमने लोन लिया है नौ हजार रुपये का स्पेसिफिक लोन है इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पहले हम देखते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज हमने कितने अरसे की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है उसको हमने देखना है देखिए हमने नौ हजार रुपए का लिया था हमने पहले इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है हमने नौ हजार रुपए का लोन लिया हमारे पास इंटरेस्ट रेट है पंद्रह परसेंट हम पंद्रह परसेंट लेंगे देखें जो कमेंसमेंट है ना कैपिटलाइजेशन की वो तो स्टार्ट तो ही मार्च से हो रही है इस तारीख से इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमने कैपिटलाइज करना because यहां पे हमने हमने ले लिया हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया तो इस एरिया की तो हम कैपिटलाइजेशन कर ही नहीं सकते जब हमने पेमेंट शुरू की पेमेंट से ऑनवर्ड हमने कैपिटलाइजेशन करना शुरू करनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब मार्च से लेके दिसंबर तक तो غالबा बन ये बनते हैं 10 महीने तो 10 महीने की बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करनी है लेकिन जब मैं 10 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहा था इसने कहा सर एक महीना जो है हमारा काम बंद रहा हम ये काम बंद रहा तो वो उस महीने की बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते तो ये होगी सिर्फ और सिर्फ 9 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज जो कितनी बन रही होगी वन ओ वन थ्री कर लेते हैं एक हजार तिरानवे ये हमारे इंटरेस्ट इनकम बन रही है ये हमारी इंटरेस्ट इनकम बन रही है अब इसमें से हमने लेस करनी है इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें से हमने लेस करनी है इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसमें से वो लेस होगी जो बोरिंग कॉस्ट के पीरियड की होगी इन्वेस्टमेंट इनकम में देखिएगा हमारे पास था नौ हजार रुपया एकम मार्च को यकम मार्च को ही मैंने पच्चीस सौ की रिपेमेंट कर दी तो मेरे पास कितने पैसे बचे मेरे पास बच गया पैंसठ सौ अब पैंसठ सौ मेरे पास यकम मार्च को है जो मैंने इन्वेस्ट किया अगली पेमेंट मैं कर रहा हूं अक्टूबर तो देखें मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सात महीने के लिए मैंने क्या किया है इसको मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो पैंसठ सो इन्वेस्टमेंट क्या है दस परसेंट के ऊपर है सात महीने के लिए तो अगर हम इसको निकालें कितनी बनेगी पैंसठ सो मल्टीप्लाई बस पर परसेंट इंटू सेवन बाय 12 लेकिन जब मैं सेवन बाय 12 कर रहा था वो तो खत्म हो रहा है यक़म अक्टूबर को और मुझे यहां पता है कि अगस्त के महीने में हमारा काम सस्पेंडेड रहा तो अगर हम अगस्त के महीने का इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो अगस्त के महीने की हमने इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं लेनी तो हम इसको यहां पे लेस करेंगे तो ये छह माह की इन्वेस्टमेंट इनकम इसकी आ रही होगी कितनी बनेगी तीन सौ पच्चीस जो होगी वो इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम बन रही होगी फिर हमारे पास वापस चले गए हम अपने पेमेंट के ऊपर हमें लगा पता भाई साहब हमने एकम एक अक्टूबर को इस पैंसठ सौ में से बयालीस सौ की रिमेनिंग पेमेंट भी कर दी है तो एकम एक अक्टूबर को हम क्या कर रहे हैं रिमेनिंग पेमेंट भी कर रही है तो बयालीस सौ हमने इसमें से लेस कर दिया एकम एक अक्टूबर को तो मेरे पास फंड बचा तेईसो अब तेईसो मेरे पास रहा अक्टूबर का पूरा महीना नवंबर का पूरा महीना बिकॉज दिसंबर में महीने तेईस फिर लगा दिया तो दो महीने मेरे पास ये वाली अमाउंट भी क्या रही है इन्वेस्टेड रही है तो इसके ऊपर अगर मैं निकालूं कितना बन रहा होगा सौ तेईसो बाय टेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय टू डिड बाय ट्वेल्व कितना बन रहा होगा बताइएगा जरा थर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री थर्टी एट कर लें इसको सम कर लें कितना जवाब बनता है तीन सौ पच्चीस और तीस तीन सौ पचपन तीन सौ तिरसठ थ्री सिक्सटी थ्री इसमें से लेस हो जाएगा ये जो जवाब आएगा ये होगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ये अमाउंट है जो हमने कैपिटलाइज करनी है कितनी बनती है 650. 650 जो है जो वो हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे उसके बाद इसने कहा था हमने बतानी है कितनी अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर रहे होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं बोरिंग कॉस्ट चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने कितनी बोरिंग चार्ज करनी है सिंपल सी बात है आप यहाँ पे देख लें आपने कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया नौ महीने का कितने महीने का नहीं किया कितने महीने का नहीं किया वो तो देगा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस तो वो तीन माह बन रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस इसको हमने लेना है ये बनेगा नौ हजार पंद्रह परसेंट हमारा रेट था तीन महीने का हम यहां पे इंटरेस्ट ले लेंगे थ्री थर्टी एट कर ले थ्री थर्टी एट ये एक्सपेंस है ये हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये हम चार्ज कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा होगा तीन से और ये जो इंटरेस्ट पे एबल है ये हमारा क्या हो रहा होगा तीन से क्रेडिट हो रहा होगा ये हमने एक्सपेंस आउट कर दिया अब इतने अरसे की हमें इन्वेस्टमेंट इनकम भी लेनी है इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमारी अदर इनकम शो हो रही होगी अब इन्वेस्टमेंट इनकम में देखिएगा हमने यहां पे लिया लोन दो महीने हमारे पास लोन को इस्तेमाल नहीं किया हमारे पास नौ हजार रुपया था लोन की अमाउंट नौ हजार इंटू दस परसेंट कर लेंगे हम नौ हजार इंटू दस परसेंट दो महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी कितनी बनेगी वन फिफ्टी वन फिफ्टी आ गई हमारे पास ये एक और हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम है ये वाली जो हमने यहाँ पे लेस की थी एक महीने की उसको भी हमने क्या करना है अदर इनकम शो कराना है तो पैंसठ सो बिकॉज जिस मंथ की इनकम कैपिटलाइज नहीं की थी वो भी तो हमारी पीएल में जाएगी तो एक महीने की कितनी बनेगी ये सस्पेंशन वाली फिफ्टी फोर तो ये क्या होगा दो सौ चार ये आपकी अदर इनकम में इन्वेस्टमेंट इनकम शो हो रही होगी इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे होते हैं इस तरह से बोरिंग कॉस्ट हमारी चल रही होती है तो यहां पे बोरिंग कॉस्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया माइनस नहीं कर सकते ना आप माइनस करना चाहेंगे तो आप नेट कॉस्ट शो करेंगे लेकिन आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक एक आपका expense है आपकी income है आपकी और दोनों profit and loss account में जा रही है तो interest, income received, जो होगी वो आप शो कर दीजिएगा और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी आप यहाँ पे वेटेड मेथड इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज ये स्पेसिफिक बोरिंग है जनरल बोरिंग नहीं है 338 नौ हजार का इंटरेस्ट था तीन महीने का इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज नहीं किया नौ महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया तो तीन महीने का जो होगा वो एक्सपेंस आउट हो रहा होगा जी यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो पूछ बोरिंग कॉस्ट क्लियर है तीन स्टैंडर्ड हो गए ट्वेंटी फोर्टी एंड ट्वेंटी थ्री